हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ साइमा। आज हम बात करेंगे एक्ज़ोरा प्लांट के केयर के बारे में। एक्ज़ोरा प्लांट को चाइनीज़ एक्ज़ोरा के नाम से भी जाना जाता है। नर्सरी में ये एक्ज़ोरा प्लांट या चाइनीज़ एक्ज़ोरा दोनों ही नाम से आसानी से मिल जाता है। एक्ज़ोरा प्लांट की सॉइल कैसी होनी चाहिए, इसको किस तरीके की सॉइल पसंद है, इसको कैसी वाटरिंग करनी चाहिए, कब कब वाटरिंग करनी चाहिए और इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, इसको फर्टिलाइज़र कैसे दें, ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, आपसे मिस ना हो। एक्ज़ोरा प्लांट टॉल और डॉफ दोनों ही वैरायटी में आता है। जो टॉल एक्ज़ोरा प्लांट होता है ये ज़मीन से 5 से 6 फीट तक की हाइट गेन करता है। ये बुशी फॉर्म में ग्रो करता है, इसके चारों तरफ ब्रांचेस होती हैं। इस प्लांट को हम इसकी टॉल वैरायटी को हम हेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हेजिंग के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या इसे वॉल कवर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। एक्ज़ोरा प्लांट बुशी फॉर्म में ग्रो करता है, इसमें कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं और हर ब्रांच के एंड पे फ्लावरिंग होती है। हर ब्रांच के एंड में बहुत सारे फ्लावर्स क्लस्टर्स में आते हैं, गुच्छों में आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से हर ब्रांच के एंड पर गुच्छे में फ्लावर्स आए हुए हैं और इसके फ्लावर्स भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के शेड्स में एक्ज़ोरा प्लांट आते हैं। रेड कलर के फ्लावर्स में एक्ज़ोरा प्लांट आता है। मेरे पास ये वाइट कलर के फ्लावर्स का भी एक्ज़ोरा है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से गुच्छों में फ्लावर्स आए हुए हैं, कई सारे गुच्छे में फ्लावर्स हैं। और देखिए इसमें किस तरीके से कई सारी बर्ड्स भी आई हुई हैं, ये देखिए किस तरीके से इसमें बर्ड्स आई हुई हैं। और मेरे पास ये पिंक कलर के फ्लावर का भी एक्ज़ोरा है, इसमें भी फ्लावर्स गुच्छों में हैं और कई सारी बर्ड्स इसमें भी आई हुई हैं। एक प्लांट और है मेरे पास जो कि ऑरेंज कलर के फ्लावर का एक्ज़ोरा है, ये देखिए इसमें भी इस तरीके से कई सारे फ्लावर्स बंचेस में हैं, क्लस्टर्स में हैं। और ये एक और मेरे पास प्लांट है, ये भी पिंक कलर के फ्लावर का एक्ज़ोरा है बट इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है, सारे फ्लावर्स झड़ गए हैं। तो इस तरीके से एक्ज़ोरा प्लांट कई सारे कलर्स में आता है। मैं इसके फ्लावर्स को पास से दिखाती हूँ, नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए इसमें इस तरीके से इसका इंडिविजुअल फ्लावर को आप देख सकते हैं, ये इसमें 4 पेटल्स होते हैं, 4 पेटल्स का एक्ज़ोरा है और इसके ब्रांच के एंड में फ्लावरिंग हो रही है। तो एक्ज़ोरा प्लांट के हर ब्रांच के एंड में फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं इसकी में ये ब्रांच के एंड में फ्लावरिंग है और इसके पीछे की दोनों ब्रांचेस के एंड में फ्लावरिंग हो रही है। और दूसरे एक्ज़ोरा प्लांट में भी 2 ब्रांचेस हैं जिसमें से इस ब्रांच के एंड में फ्लावरिंग हो रही है और इस ब्रांच के एंड में भी फ्लावरिंग होगी। तो इस तरीके से जो एक्ज़ोरा के प्लांट्स रहते हैं उसके ब्रांचेस के एंड में फ्लावर्स आते हैं, क्लस्टर्स में फ्लावर्स आते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में। एक्ज़ोरा प्लांट की जो सॉइल है वो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल का मतलब है कि सॉइल में पानी ठहरना नहीं चाहिए। इसकी सॉइल बिल्कुल भी दलदली नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें पानी ठहरेगा तो इस प्लांट में रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे इसकी ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी फ्लावरिंग स्लो हो जाती है। सॉइल के मिक्सचर की अगर हम बात करें तो सॉइल में 40% गार्डन सॉइल होनी चाहिए, 40% बालू होनी चाहिए और 20% कंपोस्ट होना चाहिए। इसकी मिट्टी को तैयार करते समय कंपोस्ट की क्वांटिटी है उसे थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। कंपोस्ट से सॉइल का जो मीडियम होता है वो एसिडिक हो जाता है। एक्ज़ोरा प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, इस मीडियम में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। वैसे तो सॉइल को एसिडिक करने के और भी तरीके होते हैं, इसके लिए आप 1 चम्मच विनेगर को 1 लीटर पानी में मिक्स करके 20 दिन के डिफरेंस में अपने प्लांट को दे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पौधे में फूल नहीं आते, उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं तो हमें समझ नहीं आता क्या रीज़न हो सकता है। तो अगर आपके प्लांट में फ्लावर्स नहीं आते हैं तो इसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपके एक्ज़ोरा प्लांट की जो मिट्टी है उसका मीडियम एल्कलाइन हो गया हो, ऐसे मीडियम में वो फ्लावरिंग नहीं करता। तो इसके लिए आप पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट मिक्स कर दें, इससे सॉइल का जो पीएच लेवल है वो घट जाएगा और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें फ्लावरिंग होगी।
आप कंपोस्ट की एक लेयर भी मिट्टी के चारों तरफ, पौधे के चारों तरफ लगा सकते हैं। पर ध्यान रहे, कंपोस्ट मिक्स करते समय जो कंपोस्ट है वो मिट्टी के गमले के आसपास ही लगाएं, उसे मेन स्टेम से टच ना करें। अगर वो कंपोस्ट मेन स्टेम से टच करेगा तो इससे जो पौधे का जो मेन स्टेम होता है उसका ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सोरा प्लांट में वाटरिंग की, कि हमें इसमें कब कब इसमें वाटर देना है। एक्सोरा का प्लांट एक सन लविंग प्लांट है, इसे धूप बहुत पसंद है, तो इसके लिए हमें इसमें रोज़ वाटरिंग करनी है। लेकिन वाटर देने का सही समय है मॉर्निंग का, जैसे कि अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और मैंने इसे अभी अभी पानी दिया है। आप देख सकते हैं इसकी लीव्स से पानी लगा हुआ है और ये दोपहर तक इसमें सूख भी जाएगा, तो इसमें मॉर्निंग के टाइम में ही पानी देना है। पर हमें इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, हमें इसकी मिट्टी को सिर्फ मॉइस्ट रखना है। अगर हम इसकी प्लांट में ओवर वाटरिंग करेंगे तो भी इसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर हम इसमें लो वाटरिंग करेंगे तो भी इसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमें इसमें राइट अमाउंट में ही इसमें वाटरिंग करनी है। इसको 4 से 5 घंटे की धूप बराबर चाहिए, तो इसे हमें मॉर्निंग के टाइम पे इसमें वाटर देना है। बात करें अगर डिजीज़ की, तो इस प्लांट में फंगल डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस प्लांट को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे हमें महीने में एक बार करते रहना चाहिए। हमें अपने सभी प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। इन्फेक्शन से पहले ही हम स्प्रे कर दें तो वो प्लांट इन्फेक्शन से बच जाते हैं। इन्फेक्शन होने के बाद हम प्लांट में स्प्रे करते हैं तो उसकी जो क्योर होने की जो रेट होती है वो स्लो हो जाती है। तो बेहतर होगा हम अपने प्लांट में टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, ताकि हमारे प्लांट किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचे रहें। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट एक्सोरा प्लांट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।